भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता मिल गई है। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में यह पहली बार है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। दुनिया के कई देशों ने भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि भारत ने इस पद को संभाल लिया है, हम उसे एक बार फिर से यह याद दिलाना चाहते हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जम्मू कश्मीर पर प्रस्तावों को लागू करे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी है और कहा है कि वो भारत के एजेंडे से सचमुच प्रभावित है। रूस ने कहा है कि भारत आतंकवाद रोधी, शांति और समुद्री सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर जोर देता है। भारत में रूसी राजदूत निकोल कुदाशेव ने ट्वीट किया, यूएनएससी अध्यक्षता मिलने पर भारत को बधाई। हम वाकई में भारत के एजेंडे से प्रभावित हैं जिसके तहत वो आतंकवाद रोधी, शांति और समुद्री सुरक्षा के मुद्दे उठाता है। फ्रांस ने भी भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जाहिर की है। फ्रांस ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर आतंकवाद रोधी, शांति बहाली और समुद्री सुरक्षा जैसे रणनीतिक मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लैनन ने ट्वीट किया, बहुत खुशी है कि फ्रांस के बाद यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को मिल रही है। उन्होंने लिखा, हम भारत के साथ मिलकर मौजूदा संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं और नियमों से चलने वाली बहुपक्षीय व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने कहा है कि अपनी अध्यक्षता के दौरान वो आतंकवाद रोधी, अमन बहाली और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से ध्यान देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो इन तीन मुद्दों पर अहम आयोजन करेंगे। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत आतंकवाद रोध को केंद्र में रखना जारी रखेगा। 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल एक महीने तक रहता है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अंग्रेजी की वर्णमाला के आधार पर बदलती रहती है। भारत अगस्त महीने तक यूएनएससी का अध्यक्ष बना रहेगा।